गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू सी एंड डी पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 13.1. सो दीज आर मल्टीप्लीकेशन सम्स. रुपीज़ 45.50 मल्टीप्लाई बाय 4. सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन. बेटा मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में. बस आपको टेबल्स आने चाहिए. 4 0s are 0, 4 5s are 20, 0 हेयर एंड कैरी ओवर 2. 4 5s are 20 plus 2 22, 2 एंड कैरी ओवर 2. 4 4s are 16 plus 2 18. नाउ हेयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ 45 rupees and 50 paisa. सो नाउ आफ्टर डेसिमल वी हैव 50, वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. सो इन द आंसर यू हैव टू पुट डेसिमल बिफोर 2 डिजिट्स और स्टार्ट आपको काउंटिंग करना है राइट साइड से. 1 2, 2 डिजिट्स छोड़कर आप लगाएंगे डेसिमल एंड योर आंसर इज़ ₹182. सेकेंड क्वेश्चन, 36.30 multiplied by 23. सो 36 rupees and 30 paisa इज मल्टीप्लाइड बाय 23. सो फर्स्ट दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 0s are 0, 3 3s are 9, 3 6s are 18, कैरी ओवर 1. 3 3s are 9 plus 1 becomes 10. नाउ पुट अक्रॉस एज वी आर मूविंग टू another number. So put across first, then 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 6s are 12, again carry over 1, 2 3s are 6 plus 1 7. Now add them up. 0, 9 plus 0 9, 8 plus 6 14, carry over again 1, 2 plus 1 3, 7 plus 1 8. Okay, now as after decimal we have 2 digits, so in the answer also I will put decimal before 2 digits and I will start the counting the numbers from the right side. 1 2, after 2 digits, or I can say before 2 digits I have to put decimal. 99.10 multiplied by 9. 9 0s are 0, 9 1s are 9, 9 9s are 81, 1 here carry over 8. 9 8s 9 9s are 81 plus 8 it's 89. Again after decimal we have 2 digits, so I have to put decimal before 2 digits from the right side. 1 2, here I have put decimal. So answer is ₹891.90. 218.87 multiply by 6. So 218 is rupees and 87 is paisa, and separate rupees from paisa we have to put decimal. 6 7s are 42, carry over 4. 6 8s are 48 plus 4 52, carry over 5. 6 8s are 48 plus 5 53, carry over 5. 6 1s are 6 plus 5 11, carry over 1. 6 2s are 12 plus 1 13. So now after decimal again we have 2 digits, so before 2 digits I have to put decimal. 1 2, here I'll put decimal. Answer is ₹1313.22. Next questions you will do yourself, okay? 5 6 7 and 8. Now question number D is divide. Now you are going to divide money, okay? Like ₹228.20 divided by 7. Now these are the decimal numbers which you are going to divide. Understand it carefully, okay? This is the question and this is the dividend divisor. अभी आपको 7 से डिवाइड करना है 228.20. तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, आप फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं, वो छोटा है तो आप दो डिजिट के लिए, 7 से छोटा है ना 2, तो आपको क्या करना है, इन दो डिजिट्स के लिए 7 का टेबल बोलना है, ठीक है बेटा? 7 3s are 21, माइनस करेंगे 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गए 0. नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 ओनली. ऊपर से आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 8. नाउ यू हैव टू स्पीक द टेबल ऑफ 7 फॉर 18.
सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन तो एटीन से बड़ा हो गया बेटा, तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन पर जाएगा। एट में से फोर गए फोर। अब बेटा डेसिमल आता है बीच में, तो आपको डेसिमल को पहले क्वेश्चन में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे नीचे, दैट इज़ टू। सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू, माइनस किया ज़ीरो ज़ीरो। अब हमारे पास ऊपर ज़ीरो अभी और बचा है, तो आप ज़ीरो को नीचे उतारेंगे। सेवन को आप सेवन के टेबल में ज़ीरो डिवाइड नहीं कर सकते आप सेवन से, तो ज़ीरो आप क्वेश्चन में एज इट इज़ लगा देंगे। तो योर आंसर इज़ रुपीज़ 32.60। सेकेंड क्वेश्चन, रुपीज़ 630 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको 630 को 9 से डिवाइड करना है। पहले आप फर्स्ट डिजिट चेक करिए, 6 9 से छोटा है, तो आप अकेले 6 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप दो डिजिट्स के लिए टेबल बोलेंगे, दैट इज 63। 97 ज़ा 63, माइनस किया 00। अभी हमारे पास ऊपर 0 है, आप 0 को नीचे उतारेंगे और आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन में इसको एज इट इज़ लगा देंगे। योर आंसर इज़ रुपीज़ 70। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रुपीज़ 108.60 डिवाइडेड बाय 6। अभी आपको इसको 6 से डिवाइड करना है, तो आप फर्स्ट डिजिट चेक करिए, छोटा है, तो आप दो डिजिट के लिए टेबल बोलेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 तो 10 से बड़ा हो गया बेटा, 6 1 ज़ा 6 पर जाएगा। 10 माइनस 6 इज़ 4, ऊपर से उतारिए 8, 6 8 ज़ा 48, ओके। फिर माइनस किया आपने 0 0। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है डेसिमल, जैसे डेसिमल आता है आप डेसिमल को क्वेश्चन में लगा देंगे पहले, फिर आप ऊपर से उतारेंगे 6, 6 1 ज़ा 6, माइनस किया, 6 माइनस 6 इज़ 0, ऊपर अभी 0 है हमारे पास, आप नीचे उतारेंगे, आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लगा देंगे। आंसर इज़ रुपीज़ 18.10। नाउ डिवाइड 876.95 बाय 5। सो आपको 5 से डिवाइड करना है, पहला डिजिट बड़ा है तो आप एक सिंगल डिजिट को लेके चलेंगे, 5 से बड़ा है ना 8, 5 1 ज़ा 5। पहले आपने 8 को डिवाइड किया 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, 8 से बड़ा है तो 5 1 ज़ा 5, माइनस किया 3 लेफ्ट, ऊपर से उतारा 7, 5 7 ज़ा 35, माइनस किया, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 6, 5 का टेबल बोलिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 30 ज़ा 26 से बड़ा हो गया, तो 5 5 ज़ा 25 पे जाएगा। 6 में से 5 गए 1। अब डेसिमल आ गया बेटा पहले, तो आप पहले डेसिमल लगाएंगे क्वेश्चन में, फिर आप 9 को नीचे उतारेंगे। 5 का टेबल 19 के लिए आपको बोलना है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 20 इज़ बिगर देन 19, तो 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 5 इज़ 4। नेक्स्ट डिजिट है 5, ऊपर से उतारिए, 5 9 ज़ा 45। सो योर आंसर इज़ रुपीज़ 175.39। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर यू हैव टू डिवाइड रुपीज़ 143.20 बाय 16। तो बेटा अभी हमें इसको 16 से डिवाइड करना है, हमने पहले देखा, अब दो डिजिट है तो पहले आप दो डिजिट चेक करिए, क्या इससे बड़े हैं, नहीं छोटे हैं, तो आपको 3 डिजिट्स के लिए टेबल बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको 16 का टेबल आता है तो आप 16 का टेबल बोलना स्टार्ट करिए 144 के लिए। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, 16 7 ज़ा 112, 16 8 ज़ा 128, 16 9 ज़ा 144। 144 इससे बड़ा है बेटा, तो आप 16 8 ज़ा 128 कर देंगे, माइनस करेंगे आप, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए 1। ऊपर, अब ऊपर से डिजिट उतारना है तो आप यहाँ डेसिमल आ गया, तो पहले आप डेसिमल लगाएंगे क्वेश्चन में, फिर ऊपर से उतारेंगे 2। नाउ 16 9 ज़ा 144 पे जाएगा बेटा, फिर आप इसको फिर माइनस करेंगे, 12 2 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 इज़ 8, 8 4 में से 4 गए 0, ऊपर से उतारेंगे नेक्स्ट डिजिट 0, 16 5 ज़ा 80। सो योर आंसर इज़ रुपीज़ 8.95।
अब नेक्स्ट डिजिट आपको बेटा 23 से डिवाइड करना है. आपको अगर 23 का टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे. सबसे पहले ये टू डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, तो आप पहले फर्स्ट टू डिजिट चेक करिए, क्या इससे बड़े हैं. यस, 28 इज़ बिगर देन 23, तो आप 28 के लिए टेबल बोलिए. 23 वन ज़ा 23, 23 टू ज़ा, जिसको टेबल नहीं आता वो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. ओके, 46. सो 23 टू ज़ा 46, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1. ऊपर से डिजिट उतारना है, पर उससे पहले डेसिमल है तो आप डेसिमल लगाएंगे. 5 उतारा बेटा, 23 वन ज़ा 23, 23 टू ज़ा 46. अब फिर से टेबल बोलना है हमें, 23 थ्री ज़ा 69, 23 फोर ज़ा 92, 23 फाइव ज़ा 115. सो दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल एट 5. सो 23 फाइव ज़ा इज 115. माइनस किया 0, 0. ऊपर से अब एक डिजिट हमारा 0 रह गया बेटा, 0 उतारेंगे तो 0 डिवाइड नहीं कर सकते 23 से, क्वेश्चन में लग जाएगा. 12.50 पैसा इज आंसर.